खान सर का नाम तो आपने सुना ही होगा, खान सर का असली नाम क्या है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज उनका दुनिया का नंबर वन एजुकेशनल चैनल है। खान सर अपने पढ़ाने के रोचक अंदाज के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। खान सर का कहना है कि कोई भी बच्चा पैसे के कारण उनके कोचिंग क्लास से वापस नहीं जा सकता। खान सर बच्चों को पढ़ाने की फीस सिर्फ 200 रुपये लेते हैं, तो इसलिए आज मैं आपको उनके जीवन के बारे में बताऊँगा। खान सर का जन्म दिसंबर 1993 को यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था, लेकिन अब खान सर बिहार के पटना में रहते हैं। खान सर का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता बिल्डिंग लाइन में काम करते थे और माता हाउसवाइफ थी। खान सर बचपन में बहुत शरारती थे, हाँ, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे। खान सर का परिवार इतना गरीब था कि उनकी माँ दोनों भाइयों को पेंसिल भी आधी आधी काट के देती थी और उसका भी हिसाब लेती थी कि पेंसिल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। इनके पास नोटबुक लेने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। गांव में उनके घर के सामने कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज की छुट्टी के बाद खान सर वहाँ जाया करते थे। कॉलेज में से कभी गिरी हुई पेंसिल मिल गई, कभी पेन मिल गया, कभी भरी हुई नोटबुक मिल गई। नोटबुक में एक दो पेज सादे बच्चे होते थे तो उन्हें फाड़ के घर ला लिया करते थे। ऐसे ही पेज इकट्ठे कर करके घर में रखते थे और उनकी माँ सुई धागे से सभी पेज को सिल देती थी, उसकी नोटबुक बना देती थी और उस पर ही वह स्कूल का काम लिखते थे। खान सर जब 8th क्लास किए तभी उन्होंने इंडियन आर्मी में जाने का शौक हुआ। जब 9th क्लास में हुए तो उन्होंने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो NCC में चले गए और साथ साथ पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने BSc की, फिर MA किया। उनका ड्रीम था कि आर्मी में जाकर देश की सेवा करना, लेकिन मेडिकल में अनफिट होने के कारण वो फौज में नहीं जा सके। उनका आर्मी में जाने का सपना टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने सोचा फौज में जाकर देश की सेवा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, टीचर बनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा के देश की सेवा करूंगा। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उनके पास सिर्फ एक बच्चा आता था, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। खान सर ने उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वह क्लास में टॉप पर आने लगा। खान सर ने सोच लिया था कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम नंबर वन पर हो। आज उनका चैनल खान GS रिसर्च सेंटर नंबर वन पर है। एक स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद उनके पास बच्चों की गिनती बढ़ती गई। पहले सिर्फ ऑफलाइन क्लास ही लगाते थे, उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन क्लास लगाना भी शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया जिसका नाम खान GS रिसर्च सेंटर रखा गया। फिर वह अपने कोचिंग सेंटर में ही बच्चों को पढ़ाने लगे। कोई गरीब बच्चा हो या कोई विकलांग हो, इन बच्चों को तो खान सर फ्री में ही पढ़ा देते थे, क्योंकि खान सर के लिए पैसा मायने नहीं रखता था, उसके लिए बच्चों की पढ़ाई मायने रखती थी। जो आसपास के कोचिंग सेंटर थे उनके लिए पैसा मायने रखता था, वो खान सर से जलने लगे, क्योंकि खान सर तो बच्चों को फ्री में ही पढ़ा देते थे। फिर खान सर के साथ एक घटना घटी। जब वह सुबह सुबह अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे थे तभी उनके कोचिंग सेंटर पर किसी ने बम से हमला किया। सभी तरफ हफड़ा तफड़ी मच गया। एक बम तो खान सर के बिल्कुल पास में गिरा। गनीमत यह रही कि वो बम फटा नहीं। आसपास के जितने भी कोचिंग सेंटर थे सभी बंद करके घर को निकल लिए। खान सर को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन खान सर के स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी। सुबह खान सर के कोचिंग सेंटर में बम चला था और खान सर उसी कोचिंग सेंटर में शाम को दूसरे बैच के बच्चों को पढ़ा रहे थे और पहले बैच के बच्चे कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े थे कि देखते हैं कौन बम फेंकता है। उसके बाद खान सर का हौसला बढ़ गया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगा। खान सर ने फिर बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली जो पटना की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गई। फिर उनका कोचिंग सेंटर पटना का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बन गया। सब कुछ अच्छा हो रहा था कि अचानक बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। फिर उसके बाद टीचर्स को बोला गया कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना होगा। खान सर को तो फेसबुक चलाना नहीं आता था, ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे। खान सर का एक गांव में दोस्त था, उसकी फोटोकॉपी की दुकान थी। उसका दोस्त बोला मेरी दुकान में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करो। फिर वह लॉकडाउन के कारण दुकान का शटर लगा के उसके आगे बोर्ड लगा के ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। पहले वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर उन्होंने अच्छी क्वालिटी का कैमरा लाए, माइक लाए, फिर लाइट लगाए, फिर उनका चैनल ग्रो होने लगा। फिर लड़कों के लिए कोर्स का एप्लीकेशन बना दिया। खान सर ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, वह आगे बढ़ते चले गए। खान सर आज बच्चों के सबसे पसंदीदा टीचर है। वह अपने पढ़ाने के स्टाइल से बच्चों में बहुत फेमस है। आज उनके कोचिंग सेंटर में इतने बच्चे कि बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती, बच्चों को खड़े होकर ही पढ़ना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि खान सर का असली नाम क्या है। वैसे तो जो गुरु होता है उसका कर्म और धर्म सिर्फ ज्ञान बांटना होता है। जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपको सलाम कहूँ या नमस्ते, तो उनका जवाब था मुझे ना सलाम बोले ना नमस्ते बोले, मुझे सिर्फ जय हिंद बोले। उन्होंने अपने जवाब से पत्रकार को चुप करा दिया।
खान सर का नाम जानकर हम क्या करेंगे, बस वह एक सच्चे हिंदुस्तानी इतना ही काफी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।